5, 4, 3, 2, 1। महोदय, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक मानसिक योग्यता एवं क्षमता के साथ साथ वातावरण का भी बड़ा महत्व है। महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व पर उनके जीवन की परिस्थितियों एवं वातावरण की छाप के साथ साथ वंश परंपरागत संस्कारों का भी प्रभाव पड़ा। इनके बाबा उर्दू फारसी के विद्वान थे, पिताजी अंग्रेजी में एमए थे, नाना हिंदी संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत की पद्य रचना भी करते थे तथा माता आस्तिक साधना कला एवं संगीत में रुचि लेती थीं। परिवार की 3 पीढ़ियों के उपरांत बड़ी मनौती के बाद जब महादेवी जी का जन्म हुआ तो सभी अपने अपने ढंग से विदुषी बनाने के स्वप्न देखने लगे। बाबा सूफियों का विश्वास करते थे पर कर्म कांड पर नहीं। पिताजी नास्तिक तो नहीं थे परंतु संदेहवादी थे। वे व्यापक मानव धर्म को मानते थे और माँ सगुणोपासिका थीं। ऐसे विविध पर सामंजस्यपूर्ण वातावरण में महादेवी जी को जीवन दृष्टि परिवार से मिली, जिसने उनके निकट मनुष्य को अधिक मूल्यवान बना दिया। महादेवी वर्मा के जन्म का युग ऐसा था जब कन्या वध का प्रचलन समाज में था, परंतु उनके घर में उनका जन्म बहुत शुभ मानकर उन्हें देवी रूप में स्वीकार किया गया। अतः ऐसे पारिवारिक वातावरण के कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इनमें नारी के निजत्व को महत्व देने की क्षमता का विकास हुआ। उनके व्यक्तित्व में नारी के आत्मसम्मान एवं अहम का ऐसा रूप विकसित हुआ कि उन्होंने अपने स्वत्व एवं निजत्व की रक्षा के लिए सामाजिक मान्यताओं को भी ठुकरा दिया और नारी के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उनमें विद्रोहात्मक प्रवृत्ति भी जागृत हो गई। गद्य और पद्य रचनाओं में भी वे स्व संबंधी धारणा से मुक्त नहीं हो पाई और काव्य के क्षेत्र में तो वे अपने ही धरातल और सीमा से बंधी रहीं। महादेवी जी के दादा ने पुण्य लाभ की इच्छा से तो पौत्री का विवाह 7-8 वर्ष की आयु में रचा दिया, परंतु महादेवी जी ने कभी भी वैवाहिक जीवन को स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर राम पांडे के अनुसार वैवाहिक जीवन अस्वीकार करके मूल में भारतीय नारी की युग युगों से चली आती हुई वह दयनीय दशा है, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने सामाजिक निबंधों में किया है। इसके अतिरिक्त पुरुष निरपेक्ष नारी व्यक्तित्व की स्थापना उनका जीवन व्यापी उद्देश्य भी इसमें सक्रिय रहा तो आश्चर्य नहीं। कुछ भी हो, यह कटु सत्य है कि महादेवी ने विवाह को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया और स्त्री पुरुष के संबंध के प्रति विद्रोह कर बैठी। अपनी इच्छा का दमन करते हुए बाल विवाह की समस्या का शिकार बनकर अपने अहम की रक्षा हेतु असाधारण मार्ग अपनाया। चिंतनशील होने के कारण स्त्री पुरुष के संबंध के प्रति अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। उनके दृष्टिकोण के विकास में उनकी काव्य रचना में उदात्तीकरण के समावेश को सहायक माना जा सकता है।
महोदय महादेवी जी ने अपने व्यक्तित्व का स्वयं निर्माण किया और अपने पथ की स्वयं रचना की। अपनी पूरी क्षमता के साथ पथ की बाधाओं को चुनौती देते हुए जीवन में अग्रसर हुई। उनके अपने पति के साथ सौजन्यपूर्ण संबंध थे, पर पुरुष के अधिकार को नकार कर वे समाज को संभवतः यह बताना चाहती थीं कि नारी पुरुष से स्वतंत्र होकर भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है और पुरुष निरपेक्ष नारी के अस्तित्व को भी मान्यता मिल सकती है। उन्हें नारी के प्रति पुरुष के दृष्टिकोण पर क्षोभ था। पुरुष ने कभी नारी के अभाव का अनुभव करना ही नहीं सीखा। स्त्री को प्रत्येक पग पर प्रत्येक सांस के साथ पुरुष से सहायता की भिक्षा मांगते हुए चलना पड़ता है। समाज संगठन में नारी अपना निजी योगदान दे सकती है। समाज की समस्याओं का समाधान नारियां अपने ढंग से कर सकती हैं और स्वस्थ संबंधों की स्थापना भी की जा सकती है। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में परवशता और परतंत्रता की श्रृंखलाओं को तोड़कर भारतीय नारी स्वतंत्र जीवन भी जी सकती हैं। इसको उन्होंने सुदाहरण स्वयं अपने जीवन द्वारा प्रमाणित करके दिखाया। इस प्रकार काम शक्ति ऊर्जा के रूप में विकसित हुई। महादेवी के व्यक्तित्व में काम शक्ति का प्रतिबंधित और दिशांतरण रूप विकसित हुआ, जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ। महादेवी जी के व्यक्तित्व में मानसिक द्वंद्व की प्रमुखता बाल्यावस्था से ही देखने को मिलती है। विवाह को अस्वीकार करके स्वयं के लिए द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न की तथा परिणामतः उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। उनके व्यक्तित्व में भावुकता एवं बौद्धिकता के अद्भुत मेल शिक्षा एवं अध्यात्म के प्रभाव से तनाव से मुक्ति पाने के लिए अलौकिक प्रिय का संबल लिया तथा काव्य के क्षेत्र में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। व्यक्ति से समष्टि की समस्याओं के समाधान में स्वयं को व्यस्त रखा और अपनी मानसिक शक्ति का सदुपयोग किया। उनका व्यक्तित्व सृजनात्मकता का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपने सबल व्यक्तित्व द्वारा अपनी परिस्थितियों को चुनौती देकर मनोनुकूल पथ का चुनाव किया। अपने आत्मविश्वास को उन्होंने कभी नहीं खोया। जिस मार्ग पर चल पड़ी कभी लौटी नहीं। महादेवी जी ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अपने दुख को अभिशाप बनाने की अपेक्षा शक्ति बना लिया। दीपक से उन्होंने जलकर दीप्त होने के और कमल से विकासशील होने की प्रेरणा ली। नारी जीवन की उन्नति के लिए वे सदैव तत्पर रहीं। वे स्वयं कन्यावध तथा बाल विवाह संबंधी नारी समस्याओं से परिचित थीं और स्वयं को भी कुछ सीमा तक उलझाना पड़ा। अतः इसके विरुद्ध आवाज उठाई कि समाज नारी की शक्ति और क्षमता समझे। नारी भोग्या नहीं शक्ति है, निराश्रित नहीं आश्रयदात्री है। उन्होंने स्वयं नारी जाति में आत्महीनता की ग्रंथि को आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव द्वारा विजय प्राप्त करके नारी जाति के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। उन्हें भारत देश में नारी की स्थिति पर क्षोभ था। नारी आज अलंकरण मात्र है, पुरुष उसे भोग रहा है।